नमस्कार, मैं विष्णुधारी सिंह, एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि टाइटल सूट में कोई केस यानी सूट या उसका अपील, किसी जजमेंट के विरुद्ध में अपील या रिवीजन या रिव्यू आप कितने समय सीमा के अंतर्गत में दायर कर सकते हैं यानी कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे वीडियो के दर्शकों ने कॉमेंट करके प्रश्न किया कि सर, सूट फाइल करने का समय क्या है, रजिस्ट्री कैंसिल करवाने के लिए समय सीमा क्या है, मॉर्गेज डीड को कैंसिल कराने के लिए समय क्या है, गोद लिए हुए बच्चे का जो गोदनामा है उसे कैंसिल कराने के लिए समय सीमा क्या है। तो दोस्तों, आइए, सिविल केस के अंदर में बहुत सारे केसेज होते हैं और हर केसेज का अलग अलग टाइम ऑफ लिमिटेशन होता है यानी समय सीमा होती है। दोस्तों, समय सीमा उसे कहते हैं जिस समय सीमा के अंतर्गत में यानी टाइम ऑफ लिमिटेशन के अंतर्गत में आप न्यायालय में उस सूट को फाइल कर सके या उस अपील को फाइल कर सके, उस पिटीशन को दाखिल कर सके। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हम अपने मूल टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपके पास समय सीमा से कुछ समय अधिक बीत गया, इसके बाद भी न्यायालय आपके देरी को माफ कर देती है, वो कौन कौन से देरी है जरा इसे हम लोग समझ लें। पहली देरी है कि न्यायालय आज बंद हुआ, आज तक हमारा कोर्ट में मतलब अपील फाइल करने का समय था, लेकिन बंद होने के बाद 10 दिन की छुट्टी हो गई, उसके बाद 11वें दिन न्यायालय खुला, तब तक तो अपील का समय समाप्त है। लेकिन नहीं दोस्तों, आज कोर्ट बंद हुआ, आज से लेकर के 10 दिन बाद या 15 दिन बाद जब न्यायालय खुलेगा, इन सभी के बीच जितनी भी छुट्टी है इसके बीच में बीच के समय सीमा को न्यायालय माफ कर देती है। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो कोर्ट का आदेश हुआ उसका सर्टिफाई कॉपी नकल निकालने में, डिग्री और जजमेंट का सर्टिफाई कॉपी नकल निकालने में जो समय लगता है उस समय सीमा को भी न्यायालय माफ कर देती है। दोस्तों, इन समय सीमा के अतिरिक्त भी अगर किसी एप्लीकेशन रिव्यू या रिवीजन को फाइल करने में समय लग जाता है यानी ज्यादा देरी हो जाती है, वैसी स्थिति में इंडियन लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 के अंतर्गत में एक न्यायालय में उसी पिटीशन के साथ कंडोनेशन पिटीशन दिया जाता है, इसे हम क्षमा प्रार्थना आवेदन भी कहते हैं। दोस्तों, इस आवेदन में न्यायालय को आपको संतुष्ट करना होगा कि आपसे जो देरी हुई है वो जानबूझकर नहीं हुई है, यह देरी लाचारी में हुई है और इस देरी को आपको करने में समय का दोष था, आपका दोष नहीं था। तो आइए दोस्तों, अब कर एक एक करके देखते हैं कि मेन सूट फाइल करने का कौन कौन समय सीमा निर्धारित है। दोस्तों, लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल्स में जो पार्ट 4 में दिए गए हैं उसके अंतर्गत में किसी सूट अपील रिविजन या रिव्यू को फाइल करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। दोस्तों, तो आज आइए दोस्तों, पहले हम शुरू करते हैं किसी सेल डीड को जो जाली और फरेबी है उसे शून्य घोषित करवाने के लिए, उसे निरस्त करवाने के लिए कितने समय सीमा के अंतर्गत में आप सूट फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आर्टिकल 56 लिमिटेशन एक्ट का कहता है कि कोई भी जाली फरेबी रजिस्ट्री को यानी सेल डीड को आप रजिस्ट्री होने के 3 साल के अंदर में न्यायालय में उस डिक्लेरेशन सूट फाइल करके निरस्त करवा सकते हैं, शून्य करा सकते हैं, या उस दिन से जिस दिन से आपको जानकारी हुई कि ऐसा कोई जाली फरेबी रजिस्ट्री हो गया है उस दिन से 3 साल के अंदर में आप न्यायालय में जाकर के सूट फाइल करके ऐसे रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं। अगला है दोस्तों टॉपिक, गोदनामा कैंसिल करवाने के लिए यानी एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन में होता है दोस्तों, किसी के बच्चे को आप गोद लिए, अगर वो इनवैलिड है, अगर वो शून्य है, तो उसे घोषित शून्य करवाने के लिए आप कितने समय सीमा के अंतर्गत में न्यायालय में केस फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी समय सीमा है 3 साल। और कब होती है दोस्तों, जिस दिन आपको मालूम हुआ, जिस समय आप समझे कि यह गोदनामा कैंसिल करना जरूरी है या ये इनवैलिड है, उस दिन से 3 साल के अंतर्गत में आप न्यायालय में सूट फाइल करके गोदनामा को कैंसिल करवा सकते हैं। आर्टिकल 58 यानी आर्टिकल 58 कहता है कि किसी भी तरह का घोषणात्मक वाद लाने के लिए, डिक्लेरेशन सूट लाने के लिए समय सीमा 3 साल निर्धारित की गई है। दोस्तों, यानी दोस्तों, अगर आपको न्यायालय में कोई घोषणात्मक वाद लाना है, चाहे वो किसी तरह की न्यायालय से घोषणा करवानी हो, इस बात को, इस केस को, इस सूट को आप 3 साल के अंतर्गत में ही दाखिल कर सकते हैं। दोस्तों, दोस्तों हम आप समाज में रहते हैं, बराबर किसी से एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट में गलत हो जाता है, झूठी बातें हो जाती है, या दबाव डालकर कोई कॉन्ट्रैक्ट करा लेता है, या कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद सामने वाला पार्टी अपने शर्तों को मानने से इनकार कर देता है, ऐसी परिस्थिति में कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त कराना जरूरी होता है। दोस्तों, उसके लिए आर्टिकल 59 जो है, 59 आर्टिकल जो है लिमिटेशन एक्ट का, दोस्तों ये कहता है कि जब आपको किसी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त करवाना हो, सेट एसाइड करवाना हो,
तो उस दिन से जिस दिन से ये मालूम हो गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है या दबाव डालकर कराया गया है या यह कॉन्ट्रैक्ट गलत हो गया है, उस दिन से 3 साल के अंतर्गत में आप उसे न्यायालय में मुकदमा फाइल करके उस कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को कैंसिल करवा सकते हैं। अब दोस्तों ऐसा भी प्रश्न आया है कि कोई नाबालिग है उसके जमीन को उसके गार्जियन के द्वारा बेच दिया गया है। दोस्तों इस तरह के प्रश्न बहुत उठते हैं कि नाबालिग बच्चा है और उसके जमीन को कोई उसका गार्जियन जमीन बेच दिया, उसके हिस्से की जमीन बेच दिया, तब वो नाबालिग कब अपने हिस्से जमीन को पाएगा, क्योंकि जमीन बेचने का अधिकार तो उसके गार्जियन को है नहीं। तो दोस्तों जब वह नाबालिग बालिग हो जाए उस दिन से 3 साल का समय उसे दिया जाता है कि बालिग होने के 3 साल के अंतर्गत में तो न्यायालय में मुकदमा दायर करो और उसके बाद अपने गार्जियन द्वारा बेचे गए जमीन के रजिस्ट्री को कैंसिल करवा करके उस जमीन को वापस पाओ। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि नाबालिग बालिग होने के पहले ही मर गया, वैसी परिस्थिति में नाबालिग के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो वैधिक प्रतिनिधि है दोस्तों, वो लोग भी मर जाने के 3 साल के अंतर में सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करके नाबालिग के गार्जियन के द्वारा बेचे गए जमीन के रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं। दोस्तों लिमिटेशन पीरियड उसका 3 साल है, 3 साल के बाद पुनः आपको कॉन्डेनेशन पिटीशन देना होगा और आपको परेशानी हो जाएगी, 3 साल के बाद जनरली सूट एडमिट नहीं किया जाएगा। अगला तरह का सूट है दोस्तों कि आप किसी जमीन पर से बेकब्जा हो गए हो, कोई आदमी आपको अपने जमीन पर से बेदखल कर दिया हो, कितने दिन के अंदर में सूट ला करके उससे हम कब्जा वापस ले सकते हैं, तो इसके लिए समय सीमा है दोस्तों 12 साल। आज आप जमीन से बेदखल हुए हैं, 12 साल के अंतर्गत आप मुकदमा करके उस व्यक्ति से जमीन वापस अपना कब्जा ले लें, अन्यथा 12 साल के बाद आपका जमीन आपके हाथ से निकल जाएगा, यानी इसके लिए लिमिटेशन पीरियड है आर्टिकल 64 में 12 साल। अगले तरह का केस है दोस्तों, आप अपने जमीन पर से बेदखल हो गए हैं लेकिन टाइटल उस पर आपका है, यानी टाइटल के आधार पर बेकब्जा हुए जमीन के कब्जा वापसी के लिए वाद कब आप लाएंगे। दोस्तों लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 65 कहता है, 65 कहता है कि जब टाइटल आपका है और आप अपने जमीन पर से बेकब्जा हो गए हैं तो बेकब्जा हुए समय के बाद 12 साल के अंदर में आप वहां पर टाइटल सूट फाइल करके अपने जमीन का कब्जा वापस पा लें, अन्यथा 12 वर्ष के बाद उस जमीन को एडवर्स पोजीशन के आधार पर कब्जाधारी अपना आप अस्थाई कब्जा का मालिक बन जाएगा और इस प्रकार से आप जमीन से हाथ धो देंगे, यानी 12 साल बाद आप उस जमीन पर मुकदमा नहीं कर सकते। एडवर्स पोजीशन का मतलब दोस्तों हुआ प्रतिकूल कब्जा, यानी आप अपने बेकब्जा हुए जमीन पर अगर 12 साल तक कोई केस नहीं करते हैं, ऐसी परिस्थिति में जो कब्जा किया है वो उस जमीन का मालिक बन सकता है। डिटेल एडवर्स पोजीशन पर दोस्तों मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, कृपया उस वीडियो को भी देख लें, तब आपको एडवर्स पोजीशन के बारे में डिटेल जानकारी हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अब और केसेस जो बचे हैं, जो और केस फाइल करने का समय सीमा है, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।